डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, द होल ऑफ द मास ऑफ एन एटम इज ड्यू टू न्यूक्लियस। एटम का सारा मास कि करके होंगे न्यूक्लियस करके, कंटेनिंग प्रोटोन जिदे प्रोटोन होंगे बिकॉज इलैक्ट्रॉन इनवॉल्विंग आउटसाइड आर ऑफ निगलेजिबल मास, क्योंकि इलैक्ट्रॉन जो प्रोटोन तो मतलब न्यूक्लियस तो बाहर एटम के रिवॉल्व करते हैं उन्होंने मास तो घट होंगे, तो सारा मास कि करके हो गया प्रोटोन करके। आ देखो जिमें आ न्यूक्लीयस है, न्यूक्लीयस के होंगे ने प्रोटोनस, आउटसाइड इतने की रिवॉल्व करते हैं इलैक्ट्रॉनस, प्रोटोन का मास ज़्यादा होंगे न्यूक्लीयस इलैक्ट्रॉन नालों, इलैक्ट्रॉन का मास घट हूँ जिन्होंने आप अप्रोक्सीमेटली निगलेजिबल कह दें, निगलेजिबल मास है तो करके सारे का सारा ये करके तो मास होया ही नहीं, किदे करके होया जो इतने प्रोटोनस पे है, तो सारे का सारा मास किदे करके होया ड्यू टू न्यूक्लीयस, न्यूक्लीयस मतलब किदे करके ड्यू टू प्रोटोनस। दिस मीनस दैट न्यूक्लीयस मस्ट कंटेन प्रोटोन इक्वल टू द मास ऑफ एटम, ये मतलब की है जिन्ना किसी एटम का मास होगा उन्ने प्रोटोनस होने चाहिए। दिस मीनस दैट न्यूक्लीयस मस्ट कंटेन प्रोटोन इक्वल टू मास ऑफ एटम, वो बराबर होने चाहिए, बट नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन इज इक्वल टू अटोमिक नंबर, पर नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन कि बराबर होंगे अटोमिक नंबर के, आप फॉर्मूला किया नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन इज इक्वल टू अटोमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटोन, ठीक है। तो देखो प्रोटोन इक्वल टू द मास ऑफ एटम बट नंबर ऑफ प्रोटोन इज इक्वल टू द अटोमिक नंबर, दिस मीन्स दैट अटोमिक मास शुड बी इक्वल टू अटोमिक नंबर, यह मतलब की है जिहड़ा दा मास है वह कि बराबर होना चाहिए अटोमिक नंबर के, मतलब की हो गया उन्ने नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन होने चाहिए, उन्ने नंबर ऑफ प्रोटोन होने चाहिए, उन्ना ही वह अटोमिक मास होना चाहिए, तो उन्ना ही वह अटोमिक नंबर होना चाहिए, मतलब चार चीज़ें बराबर होनी चाहिए, फिर तो यही मतलब होया। दोबारा रिपीट कर रही हूँ पहले भी आप किए सारे के सारे एटम का मास कि करके हो गया प्रोटोन करके, क्योंकि इलैक्ट्रॉन जब हूँ तक अपने की पढ़े ने भी जब इलैक्ट्रॉन ने जो प्रोटोन ने, प्रोटोन इलैक्ट्रॉन का मास तो बहुत घट है, सारे का सारा मास कि प्रोटोन का, प्रोटोन करके यदा मतलब इलैक्ट्रॉन मास हो गया एटम का, तो सारा मास कि करके हो गया न्यूक्लीयस करके, कह दो प्रोटोन करके, प्रोटोन आप भी कि करके होने चाहिए कि बराबर होंगे ने अटोमिक नंबर के, यदा मतलब की है नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन आप पहला पढ़ के आए हैं फॉर्मूला, नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटोन इज इक्वल टू अटोमिक नंबर, यदा मतलब उन्ना ही वह मास हो गया, यही फॉर्मूला बनना चाहिए, बट एक्चुअली एवं नहीं होंगे। इट हैज़ बीन फाउंड दैट फॉर ऑल द एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन अटोमिक मास इज मोर दैन अटोमिक नंबर, कल हाइड्रोजन के केस च होंगे नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन अटोमिक नंबर भी उन्ना होंगे, मास नंबर भी उन्ना होंगे, नंबर ऑफ प्रोटोन भी उन्ना होंगे, इलैक्ट्रॉन भी कल हाइड्रोजन, तो यह केस छोड़ दो बाकी सारे केस के जोड़ा अटोमिक मास है वह ज़्यादा होंगे, अटोमिक नंबर है जोड़ा वो घट होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जिम्मे कार्बन ले लो, कार्बन का अटोमिक नंबर किन्ना छे, ठीक है, दस इट शुड हैव सिक्स प्रोटोन, यद मतलब ये छे प्रोटोन होने चाहिए, न्यूक्लीयस छे इलैक्ट्रॉन होने चाहिए है, दिस मीनस दैट कार्बन शुड सिक्स सिक्स टाइम्स हैवियर दैन हाइड्रोजन एटम, बट इट्स मास हैज़ बीन फाउंड टू बी 12 टाइम्स हैवियर दैन हाइड्रोजन एटम, मतलब इसका की मतलब है हाइड्रो कार्बन का अटोमिक नंबर किन्ना छे, जैड होंगे अटोमिक नंबर, जैड ना रिप्रजेंट करते आप, अटोमिक नंबर किन्ना छे, जे छे अटोमिक नंबर है यदा मतलब की है छे ही ये की हो गए इलैक्ट्रॉन्स, छे ही ये की हो गए प्रोटोनस, छे ही यदा की हो गया अटोमिक नंबर, तो छे ही यदा की हो गया मास नंबर ज कह दो अटोमिक मास, बट मास है जोड़ा वो ये कि होंगे 12, ठीक है, जे 12 मास है तो यद मतलब की है मास कल प्रोटोन पर नहीं डिपेंड कर रहा, ठीक है, यदा मतलब प्रोटोन तो इलावा उत्थे कुछ होर भी है। To solve this problem, it was thought that balance of mass has to be provided by some neutral particle as a positive charge is already balanced by electrons. इहदा मतलब की है मास कल्ला है प्रोटोन्स करके नहीं हैगा, उत्थे कोई होर स्पीशीज भी प्रेजेंट है न्यूक्लियस दे विच जिदे जिदे ते कोई चार्ज नहीं हो सकता, क्योंकि चार्ज तो पहले ही न्यूट्रल होया पे, जिन्ना आप कहता प्रोटोन्स से चार्ज है उन्ना नैगेटिव इलैक्ट्रॉन्स से चार्ज होंगे, दोनों का चार्ज नैट की क्या है अपने जीरो, तो यह मतलब उत्थे कोई होर स्पीशीज है जिदा मास है पर उदा चार्ज प्लस माइनस वाला चार्ज की है जीरो भी, उदे ते कोई चार्ज नहीं, कि है न्यूट्रल स्पीशीज, तो बाद फिर वो न्यूट्रल स्पीशीज आर कॉल्ड न्यूट्रॉन्स, तो उन्होंने की नाम दिता गया न्यूट्रल स्पीशीज को न्यूट्रॉन, जिहड़े कि ने डिस्कवर किया चैडविक ने, ठीक है, किमें डिस्कवर किया, इन 1932 चैडविक बंबार्डेड अ थिन शीट ऑफ बेरीलीयम विद अल्फा पार्टिकल एंड ऑब्जर्व, उन्हें इन 1932 दे विच उन्हें की किया बेरीलीयम की शीट के उत्ते अल्फा पार्टिकल्स नू स्ट्राइक कराया, बंबार्ड होंदे मतलब स्ट्राइक कराना, उहदे उत्ते छिड़का करवाना है कह दो, एंड ऑब्जर्व हाईली पेनीट्रेटिंग रेस, तो देखिया भी काफ़ी पेनीट्रेटिंग मतलब डीप जाने वाली रेस विच कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल
जिदे विच न्यूट्रल पार्टिकल सी जिन्हां दा मास इन्ना सी, आ मास की दे बराबर है, प्रोटोन दे मास दे बराबर, नियरली सेम एज हाइड्रोजन एटम कह दो जां फिर प्रोटोन कह दो, प्रोटोन जां फिर हाइड्रोजन दे मास दे बराबर है, हैव नो चार्ज, उहदे ते कोई चार्ज नहीं सी, कॉल्ड न्यूट्रॉन। किने डिस्कवरी कीती इहदी? चैडविक ने। जिवें देखो बेरीलियम है, बेरीलियम दा अटोमिक नंबर 4, मास नंबर जां कह दो अटोमिक मास कह दो जां मास नंबर कह दो 9, इहदे ते अल्फा पार्टिकल पाया, आ अल्फा पार्टिकल है पाया तो ये तो कार्बन जनरेट होया ना न्यूट्रॉन निकले, आ न्यूट्रॉन है जिहड़ा इहदे ते चार्ज कोई नहीं हुंदा, मास इहदा किहदे बराबर हुंदा है? प्रोटोन दे मास दे, ठीक है, जां कह दो हाइड्रोजन एटम दे मास दे। दस एन एटम कंसिस्ट ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल, इहदा मतलब की है, एटम दे विच हुण तक आपां की किया सी, इलैक्ट्रॉन ने ते प्रोटोन ने, बट नाल न्यूट्रॉन भी हुंदे ने, ठीक है, जिहड़ा एटम है उहदे विच 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हुंदे ने, इलैक्ट्रॉन, प्रोटोन ते न्यूट्रॉन। This means that nucleus contain proton and neutron and collectively called nucleons. तो इहदा मतलब की है जिहड़ा अपना न्यूकलीअस है उहदे विच की ने, प्रोटोन भी ने ते न्यूट्रॉन भी है, प्रोटोन न्यूट्रॉन नूं मिला के आपां न्यूकलीअस दे जिहड़े ओह पार्टिकल्स ने उहनां नूं की बोलिया करांगे? न्यूकलीओन्स। एज द इलैक्ट्रॉन्स आर ऑफ निगलिजिबल मास, द इंटायर मास ऑफ एटम इज ड्यू टू न्यूकलीअस। तो इहदा मतलब की है, इलैक्ट्रॉन का मास तो आपां पहले ही कहा भी घट हुंदा जां कह दो निगलिजिबल है, निगलिजिबल मतलब बहुत घट, तो यहाँ मतलब कि सारे का सारा मास किदे करके? न्यूकलीअस करके। न्यूकलीअस किदे करके? प्रोटोन ते न्यूट्रॉन करके। इनू आप कह सकते किदे करके? न्यूकलीओन्स करके। द सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटोन आर नोन एज मास नंबर। तो मास नंबर किदे बराबर हो गया? नंबर ऑफ प्रोटोन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, आ रहा फॉर्मूला। मास नंबर इनू आप कैपिटल ए ना रिप्रजेंट कराया करांगे, इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटोन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अटोमिक नंबर कितने बराबर से? नंबर ऑफ प्रोटोन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अटोमिक नंबर जिम्मे मान लो फॉर एग्जाम्पल लिथियम है, अटोमिक नंबर जैड कि 3 होंगे, वह अटोमिक मास कि 7, अटोमिक नंबर 3 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी किन्ने हो गए? 3, नंबर ऑफ प्रोटोन भी किन्ने हो गए? 3। तो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किमें क्या? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कि बराबर होंगे? मास नंबर माइनस अटोमिक नंबर, कि मास 7 पिछे करके आए आप इतने, देखो मास कि 7, अटोमिक नंबर किन्ने? 3, 7 माइनस 3 कि आ गया? 4। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किन्ने आ गए? 4। आ रहे हैं फॉर्मूला भी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किमें कढ़ांगे? मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटोन या अटोमिक नंबर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुछ भी लिख दो, तो इन्होंने इनू आप अभी तक फाइंड आउट कर सकते हैं। रिप्रजेंटेशन ऑफ एटम बाय इट्स सिंबल, कोई भी एटम आप किमें रिप्रजेंट करते हैं? विद दिस अटोमिक नंबर एंड अटोमिक मास, आ एक्स वह सिंबल पाना है किसी भी एटम का, ठीक है, ये पैर चेड़ा पेगा यह होगा अटोमिक नंबर, जोड़ा उपर पेगा यह होगा अटोमिक मास। जिमें लिथियम ही है, जिमें लिथियम यद सिंबल की है Li, लिथियम ये पैर च 3 पा दो अटोमिक नंबर बन गया, यदि पावर इतने पावर कह दो चाहे इतने मूहरे लिख दो, यह की है 7, यह हो गया मास नंबर। तो यह किसी भी एटम का सिंबल एवं रिप्रजेंट कर रहा, जिमें आप एग्जाम्पल किया ना देखो, तो यह एटम सारे रिप्रजेंट कर रहे, यदा सिंबल यदा अटोमिक नंबर, यदा अटोमिक मास, ठीक है।